नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो पेशेंट्स जो उनके टेस्ट की रिपोर्ट जो है सीमन एनालिसिस की जो रिपोर्ट है वो निल आई है। क्योंकि निल आने का मतलब यही नहीं होता कि सारे के सारे पेशेंट रिकवर नहीं हो सकते, क्योंकि हम जितने भी डॉक्टर से मिलते हैं, जहां पर भी मिलते हैं, सब निल स्पर्म काउंट को ये कह देते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता, क्योर नहीं हो सकता। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एलोपैथिक में सिर्फ और सिर्फ आपके पास चांस होता है कि वो एनहेंस नहीं कर पाते स्पर्म काउंट को। इस वजह से वो कह देते हैं कि यहाँ पर आप IVF करवाओ, डोनर लेना पड़ेगा, एंड सो बहुत सारी चीजें अलग अलग। बट यहाँ पर अब एक केस ऐसी की बात कर रहे हैं, जो एक पेशेंट थे हमारे, उनका जो स्पर्म काउंट था पहले जो निल था, बट एक महीने के अंदर उनको चेंजेस मिल गए, उनकी जो स्पर्म काउंट है वो अप्रोक्सीमेटली 55 मिलियन हो गए और 26% की मोर्टिलिटी आ चुकी है, जो एज इन देखा जाए तो बहुत अच्छा है। बट यहाँ पर मैं केस इसलिए एजोस्पर्मिया को बोलता हूँ कि वो थे तो सही एजोस्पर्मिया के पेशेंट, बट रिकवरी करने के लिए उनका मैच्योरेशन अरेस्ट नहीं था। क्योंकि हम जो पेशेंट्स देखते हैं, मैच्योरेशन अरेस्ट माने कि आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल जो है वो अगर ब्रेकडाउन हो चुकी है, बीच में कहीं रुकावट लग चुकी, वहां पर पॉसिबिलिटीज ना के बराबर आती है। बट हर एजोस्पर्मिया के पेशेंट को जरूरी नहीं है कि वो दिक्कत आए, बहुत से पेशेंट एक ही मंथ में रिकवर हो सकते हैं, और होने के रीजन पीछे भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं, जिनको बहुत सारी चीजें जैसे ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन एक महीने में रिकवर थोड़ी बहुत हो जाती है, जिसकी वजह से उनको नेक्स्ट मंथ स्पर्म काउंट आ जाता है, और बहुत अलग अलग रीजन भी हैं, जैसे उनका पुराना लाइफस्टाइल बहुत खराब सा रहा हो, जिसमें बहुत अलग अलग तरीके से उन्होंने गंदा खाना खाया गया, उनको कोई ऐसी हिस्ट्री रही हो कि जिसकी वजह से उनके स्पर्म काउंट लो हो गए हो, बट वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल चल रही होती है, बट हमने उनको सिर्फ एनहेंस करना होता है, जिसकी वजह से उनके स्पर्म प्रोडक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट कर देती है विद इन मंथ पे। तो ये समझ लीजिए कि आपने सोचना नहीं है कि अगर आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट हो, आप ये सोच के बैठ जाते हो कि अब तो मेरा कुछ हो नहीं सकता, अब मेरे स्पर्म काउंट बढ़ नहीं सकते। हर केस ऐसा नहीं होता एजोस्पर्मिया में, हर केस नेल स्पर्म काउंट का जो होता है वो ऐसा नहीं होता। बिना दवाई खाए आपको लगे कि वो चीजें रिकवर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो अगर आप नेल स्पर्म काउंट की रिपोर्ट आई है तो आप निराश मत होइए, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता वो रिपोर्ट एक्चुअली जो आई है वो किस रीजन से आई है। जरूरी नहीं है कि वो मैच्योरेशन ही अरेस्ट हो, जरूरी नहीं है ऑब्स्ट्रक्शन ही हो, जरूरी नहीं है कि वो आपकी लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर से हो। मे बी शायद आपका लाइफ, जब आप टेस्ट करवाने गए हो या जब आप टेस्ट करवाने गए हो वहां पर विद इन एक दिन या दो दिन में आपने सीमन एनालिसिस की अपने सैंपल को दिया हो, क्या पता उसी रीजन से आपका नेल स्पर्म काउंट आ गया। बहुत टाइम देखा कि पेशेंट एक या दो दिन के टाइम पीरियड में लैब में जाते हैं, अपना सैंपल देते हैं, उसके बाद वो रिपोर्ट जो आती है वो निल आती है, तो वहां पर पेशेंट घबरा जाता है। तो वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली चीज समझो, घबराना नहीं है। आपको फिर से एक बार ही अपना टेस्ट करवाना चाहिए, उसके बाद एक दो तीन चार दिन के बाद गैप में एक बार फिर टेस्ट कराओ, अगर वो रिपोर्ट भी सेम एज इट इज आ रही है आपकी पुरानी जैसी, तो शायद हम मान सकते हैं कि वो गलत है, मान सकते हैं कि हाँ भाई आपकी स्पर्म काउंट जो है वो निल है। तो कृपया करके अपनी एक सिंगल सीमन एनालिसिस के ऊपर एक बारी फिर से काउंटर किया करो, जिसके हिसाब से आपको पता चले कि आपका सीमन एनालिसिस का करंट का स्टेटस है क्या। इसके साथ साथ जो मैं आपको रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ वो तो करिए करिए, बट एक नेल स्पर्म काउंट के साथ भी एक्सरसाइज इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने एक वेरिकोसील के पेशेंट के साथ हो, चाहे वो हो ओलिगोस्पर्मिया के साथ। तो अपनी आदतों को थोड़ा सा चेंज करिए, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लाइए। कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, कुछ अपने को पोज अभी बता देता हूँ, कौन कौन से पोज हैं जिसको लेकर आपको रोज करने हैं एजोस्पर्मिया में, जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट जो थोड़ा सा एनहेंस करे, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का थोड़ा सा प्रोसेस को एनहेंस मिल जाए। तो उसमें दो एक्सरसाइज होती है, सबसे पहली चीज एक मेरी सबसे पुरानी एक एक्सरसाइज की वीडियो उसमें भी बता रखा है, बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई में कुछ नहीं करना होता, आपने अपने पैरों को दोनों तरफ से पकड़ के नीचे की तरफ पुल पुश करना होता है, जिसकी वजह से वहां का ब्लड फ्लो पेल्विक पोर्शन का तेज हो जाए। दूसरी एक्सरसाइज बताता हूँ कि आपने अपने पैरों को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाना होता है, जैसे कि ग्रेविटी से ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है ना, आपने अपने पैरों को ऊपर की तरफ कर लेना है, मतलब सर नीचे पैर ऊपर, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड का फ्लो है वो ऊपर की तरफ जाए। क्योंकि हमारी बॉडी का एक जैसे बोलूं फिनोमेना ही है कि हमारी बॉडी करती कैसे है, ब्लड को फ्लो थ्रो कैसे करती है, वो यही है कि ऑपोजिट ग्रेविटी भी ब्लड फ्लो करती है। कभी भी आप पैरों को ऊपर की तरफ करोगे तो क्या होगा कि आपका ब्लड फ्लो थोड़ा ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जाना चालू कर देगा, जिसकी वजह से वहां पर दिक्कत कम होगी, वहां का जो टेस्टिकल्स के जो रिक्वायरमेंट है एज इन ब्लड से जो वो न्यूट्रिशन ले सकता है या
कर सकता है वो चीज उसको मिलनी चालू हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बेटर होने की वजह से उसकी फंक्शनिंग अच्छी हो जाएगी। तो आप उन दो एक्सरसाइज को जरूर करिए, और साथ में अगर आप कोई ऐसी चीजें खा रहे हैं कि, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं गर्म गर्म चीजें खाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे उनको पता चलता है कि उनका स्पर्म काउंट नील है तो वो अखरोट खाना चालू कर देते हैं, बादाम खाना चालू कर देते हैं और एक्सेस ही खाना चालू कर देते हैं। तो एक सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि ड्राई फ्रूट्स आपके लिए अच्छे तो है, बट एक्सेसिव चीज कुछ भी अच्छी नहीं, कुछ भी चीज अच्छी नहीं। एक्सेसिव अगर आप खाना भी खाते हैं तब भी वो बीमार करेगा, एक्सेसिव ड्राई फ्रूट खाओगे वो भी बीमार करेगा। तो आपने अपनी जो डाइट है उसको थोड़ा संभल के खाइए। संभल के कैसे खाइए, अगर हम मोस्टली पेशेंट्स को देखते हैं एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया, जिनमें देखा जाए तो स्पर्म काउंट ऐसा सच नहीं होते कि वो एक प्रेगनेंसी कंसीव कर पाए, 15 मिलियन से कम होते हैं, तो वहां पर क्या करना चाहिए, वहां पर अपनी डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दीजिए। एक तो सबसे पहली चीज डेयरी प्रोडक्ट्स को हटा दीजिए, और सेकंड चीज क्या करिए कि आप अपनी डाइट को थोड़ा थोड़ा करके खाना स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके। मतलब मान लीजिए अगर आप दिन में 3 या 4 मील खाते हैं तो उसको 8 से 10 बार भी कर सकते हैं, बट उसको भूख से कम खाना और बारी बारी खाना, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में खाना तो जाए, अच्छी तरीके से एसिमुलेट हो पाए और आपको वो न्यूट्रिशन दे पाए। और अगर आपको थोड़ा सा मन में डाउट रहता है कि ओलिगोस्पर्मिया है एजोस्पर्मिया है क्योर नहीं हो सकता, बहुत इधर उधर धक्के खा चुके हो और आपको लगता है कि ये आगे कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो शायद एक बारी आपको एक सीमेन एनालिसिस का टेस्ट जरूर कराना चाहिए और वेरीफाई योरसेल्फ कि आप अपने आप को ही वेरीफाई कर रहे हो दोबारा से, जो पहली रिपोर्ट आई थी वो एग्जैक्ट थी या नहीं थी, जो आप रिपोर्ट कराओ उसमें एक बारी देखो, इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा। कभी भी एक रिपोर्ट को जज ना करो, इसलिए दोबारा एक बारी रिपोर्ट जरूर करो। और इसके अलावा अगर आपके मन में डाउट रहता है ओलिगोस्पर्म में कि मेरे स्पर्म काउंट कभी बढ़ ही नहीं सकते, मन में ऐसी चीजें रहती हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमको अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं, हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं, मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी समझ आई, पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।